गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड इट्स नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर हैं। आप सब अपने घरों में देखते हैं, बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम नाम देते हैं विद्युत। सो यहां इस इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ेंगे। ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आज हम देखेंगे और यही आज का हमारा लेक्चर रहेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपने सबने सुन रखा है, आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप दें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आने और जाने का नाम तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारा बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी है तो फैन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो कूलर, एसी, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हैं, वो सब तब चलेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और इन सबको चलने के लिए, दुनिया में कोई भी चीज अगर चल रही है तो उन सबको चलने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे एनर्जी की जरूरत है, मैं चलूंगा तो भी एनर्जी की जरूरत है, गाड़ी चलती है तो उसको भी एनर्जी की जरूरत है, फैन चलेगा तो उसको भी एनर्जी की जरूरत है। अगर वो एनर्जी है, जिसको जितनी एनर्जी चाहिए उसके पास वो एनर्जी है, तो वो काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी ही है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग माध्यम के द्वारा, और वही एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने में हमारी मदद करती है। सो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लिखें, सो इट इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, फॉर वेरियस पर्पजेज इन होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। बहुत जगह यूज होती है, हर जगह यूज होती है। आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है घरों में, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से हम उनका उनको यूज करते हैं, तो उन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल एनर्जी है, मतलब एक तो ये हमें इजीली मिल सकती है, दूसरा इस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक पंखे को चलाने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत है, कूलर को चलाने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत है, और एसी को चलाने के लिए और अलग एनर्जी की जरूरत है। मतलब जो फैन है, जो पंखा है, उसको कम एनर्जी की, कूलर को थोड़ी ज्यादा, एसी को और ज्यादा। सो जितनी एसी को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अगर हमने पंखे को दे दी तो वो खराब हो सकता है। इसका मतलब हम कंट्रोल्ड मैनर में जिसको जितनी चाहिए उतनी एनर्जी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा इट इज कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है। सेकेंड आता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर क्या है। आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है, वहां एक नया वर्ड आप सुनेंगे और जिसका नाम होता है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इज द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी,
और उसी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण वही फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है। अगर इसके हम आंसर लिखें, सो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज क्या होता है वो आप देखिए। चार्ज बेसिकली इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि हर आदमी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ आदमी आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत खुश रहते हैं, हर बात पे हंसते रहते हैं। कुछ आदमी आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत मतलब उदास रहते हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत गुस्से में होते हैं। सो उन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कोई गुस्से में रहता है, कोई खुश रहता है, कोई उदास रहता है। उसी तरह से यहां चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ही है, और उसी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो चार्ज इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी अब चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, और चार्ज की जो दो टाइप्स हैं वो देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज नेगेटिव चार्ज, सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या मतलब है भाई? गुस्सा जो है वो किसी ना किसी आदमी पे तो होता ही है, और किसी ना किसी के द्वारा तो गुस्सा किया जाता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आदमी नहीं है सिर्फ वहां गुस्सा प्रेजेंट हो। ऐसी भी नहीं है कि कोई आदमी प्रेजेंट नहीं है और वहां केवल हंसी हंसी हो। जब तक कोई आदमी वहां नहीं होगा तो हंसी नहीं होगी, जब तक कोई आदमी नहीं होगा गुस्सा भी नहीं होगा। सेम चीज चार्ज होने के लिए किसी ना किसी पार्टिकल की, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस पार्टिकल के पास होता है? जैसे किसी आदमी के पास गुस्सा था, किसी के पास हंसी थी, वैसे ही किसी के पास नेगेटिव चार्ज, किसी पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज। जिन पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज, उनका हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन, उनका हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन, और जिनके पास पॉजिटिव, उनका हम नाम देंगे प्रोटॉन। ट्रॉन मींस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब यहां पे जो चार्ज फ्लो हो रहा था जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, यहां हमारे पास दो टाइप है चार्ज की, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो कौन से चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या दोनों के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? जब इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था उस टाइम पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन इसी कारण से उस टाइम पे हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो होती है। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, वही नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और उसी नेगेटिव चार्ज को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और उसी चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज मूव करेगा, जिस आदमी को गुस्सा आता है वो आदमी यहां था तो यहां गुस्सा करेगा, यहां जाएगा तो यहां गुस्सा करेगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसके साथ वो चार्ज जाएगा। सो आप ये कह लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज, या आप ये कह लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है एक पार्टिकल की। दो टाइप है चार्ज की, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पार्टिकल भी दो टाइप के होंगे। जिस पे नेगेटिव उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, जिस पे पॉजिटिव उसको नाम दिया प्रोटॉन, और जिस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब जिसको ना हंसी आए ना गुस्सा हो, कुछ भी नहीं हो, तब उसे कहते हैं न्यूट्रल। थर्ड जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसको हम नाम देंगे न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये तीनों पार्टिकल आपने एटम में पढ़ रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बात ये आए कि फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा फ्लो? नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आएगी। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो क्यों नहीं कर रहा? हमने सिर्फ नेगेटिव क्यों नाम लिया, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितना चार्ज होता है वो आप देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हमने यहां ई नेगेटिव लिखा, इलेक्ट्रॉन ई से शुरू होता है। इस पे चार्ज होगा माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कुलाम। चार्ज को हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ, इन द यूनिट कुलाम, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, इसे आप ध्यान रखिए। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सी से डिनोट करा देते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। सो यहां पे 1.6 इंटू 10^19। अब यहां इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो बहुत सी बार बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि यहां नेगेटिव की जगह यहां पॉजिटिव कर देते हैं। ये तो नेगेटिव ही रहेगी। किसी नंबर को अगर आप प्लस और माइनस करना चाहें तो उसके सामने आप प्लस और माइनस यूज करेंगे, पावर में कभी प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली इनको भी नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव करना चाहें तो सामने पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, आपके पास प्रोटोन का चार्ज आएगा। और यहां भी चार्ज को हम कुलाम में ही मेजर करेंगे। सिमिलरली चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, उसको आपने पढ़ी लिया है कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर जीरो कुलाम चार्ज होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं? आपने पढ़ रखा है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। यह एक एटम हो गया, यह न्यूक्लियस हो गया है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। इस सेंट्रल कोर को, एटम की सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस नाम देते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। और इसी न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में इसके नेगेटिव चार्ज होता है। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए आप कि एटम के सबसे अंदर पार्ट में है पॉजिटिव चार्ज तो, और सबसे बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में से हम किसको इजीली मूव करा पाएंगे? चार्ज वैसे फ्लो नहीं होगा, उसको भी फ्लो कराने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। सो यहां पर उसकी हम आगे बात करेंगे कि किसकी जरूरत होती है। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी देगा, लेकिन चार्ज फ्लो कैसे करेगा, उसको भी एक एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी कहां से आएगी, उसके आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसको मूव कराने के लिए, ये तो आउटर पार्ट में है, इसको मूव कराने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसको मूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप किसी आदमी को, मतलब किसी आदमी को, आप कोई आदमी गेट के ऊपर खड़ा है अपने घर के गेट पे, तो आप उसे इजीली बाहर बुला सकते हैं, आप उसे खींच भी सकते हैं। लेकिन कोई आदमी घर के अंदर किसी अंदर कमरे में हो, तो उसको वहां से लाना बहुत मुश्किल है, आपको ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा वर्क की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहां भी वैसा ही है, आप इस इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करा सकते हैं क्योंकि ये आउटर पार्ट में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसका नाम देते हैं, वैलेंस सेल में है, लूजली बाउंड होता है। लेकिन ये प्रोटॉन तो अंदर है, ये क्लोजली बाउंड है, तो हम इसको इजीली मूव नहीं करा सकते हैं। यही कारण है कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, प्रोटॉन को नहीं, क्योंकि इसको मूव कराने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और इसको कराने में कम। दूसरा, ये पार्टिकल है तो इनका कुछ मास भी होगा।
इलेक्ट्रॉन का मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो मास पॉजिटिव ही रहेगा, मास को आप नेगेटिव नहीं करेंगे, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। इन दोनों में आप देख लीजिए ज्यादा मास है प्रोटॉन का, मास कम है इलेक्ट्रॉन का, और जिसका मास कम होता है उसको हम इजीली मूव करा सकते हैं। भाई एक तो छोटा बच्चा हो बिल्कुल हल्का सा, उसको आप मूव कराएं धक्का लगाएं, और एक बड़ा भारी सा आदमी हो उसको आप धक्का लगाएं, तो किस में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? भारे वाले आदमी में। तो उसको मूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत। सो इसलिए हमें क्यों करना है, जब हमें नेगेटिव चार्ज जो कि लाइटर वेट में है, हल्का है, उसका मास कम मास है, तो वो इजीली मूव हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, प्रोटॉन को मूव नहीं कराते हैं। सो ये था हमारा, और इसमें चार्ज की यूनिट आप ध्यान रखेंगे कि कूलाम होती है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और इस फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हमने लिखा फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी ना कहके इलेक्ट्रिक करंट का भी नाम देंगे, जिसे आप घरों में बोलते भी हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट से आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये चार्ज एक सर्किट में कैसे फ्लो करता है। सो आपको पता है सर्किट का मतलब, जैसे और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब वो चार्ज किस कारण से फ्लो हो रहा है? आपने देखा होगा कि टॉर्च को जब आप ऑन करते हैं स्विच से, सो वो एक ग्लो करता है। टॉर्च के अंदर एक बैटरी भी लगी होती है, अगर आप बैटरी को हटा दें तो फिर आप स्विच को ऑन करिए ऑफ करिए वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो यहां पे जरूरी एक चीज आती है हमारे पास, और वो है एक बैटरी, या हम उसका नाम दे सकते हैं सेल। वो सेल ही है जो उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, और उसी एनर्जी के कारण वो चार्ज उस सर्किट में, उस पाथ में, उस वायर में, उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेगा। सो यहां इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए हमें बैटरी की जरूरत होती है। सो इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू ए सेल और बैटरी कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक बैटरी और सेल को कनेक्ट कराएंगे, और वही बैटरी उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, और उसी एनर्जी के कारण वो चार्ज मूव करना शुरू करेगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। और फिर आप यहां से यह भी देखिए, चलो इसमें ही लिख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, यही दोनों हम आंसर देंगे। फिर उसके बाद स्विच जो था, वो स्विच क्या काम करता है। बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, अब बैटरी का जो सिंबल होता है, यह एक सेल का जो सिंबल होता है जिसको हम कैसे डिनोट कराएंगे, उस सेल का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। ये दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस अगर आपको कहीं दिखे
तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे एक सेल लगी हुई है, ये सेल को डिनोट कर रहा है, ये बैटरी को डिनोट करता है। क्योंकि जैसे लोगों के बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े नाम की जगह हम छोटा सा नाम रख देते हैं कुछ भी, वैसे ही बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे कि बैटरी के अंदर क्या है क्या नहीं। हम सिर्फ बैटरी को ये कहेंगे कि ये लगा दी गई है, और उस बड़े से स्ट्रक्चर को बनाने की बजाय हम इस छोटे से सिंबल का यूज करेंगे और ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहां पे मान लीजिए कि एक बल्ब आपने यहां एक लगा दिया है, यहां ये एक बल्ब आपने लगाया, और इस बल्ब को ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स कंडक्टर की बनी होती है, ये कंडक्टर्स होते हैं। आपको पता है मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर भी हम नाम देते हैं। सो मेनली हम यहां कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में देखिए। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, जिनमें चार्ज इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो पाए। अब वहां चार्ज फ्लो होने के लिए चार्ज होना भी जरूरी है। सो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्री उसमें होते हैं स्टेट में। क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेटर के केस में यहां जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बताया था, इस पॉजिटिव और नेगेटिव में एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग साइन के चार्जेस हैं, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ, तो ना ये उसको उधर जाने देगा ना ये इसको इधर आने देगा। सो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर जगह लूजली बाउंड नहीं होते, वो कंडक्टर्स के केस में ही लूजली बाउंड होते हैं। इसीलिए इन कंडक्टर में से ये चार्ज इजीली मूव कर सकता है, और वो चार्ज अगर मूव करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सो ये कंडक्टिंग वायर्स है, इनमें से ही चार्ज इजीली मूव हो सकता है। अगर इंसुलेटर लगा दिया तो उनमें से चार्ज मूव नहीं हो पाएगा। सो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बनी है। ये एक सर्किट है, और यहां हमने ये एक बैटरी लगा दी। ये बल्ब है हमारा। अब इस सर्किट में ये बैटरी हमने लगा रखी है, और यहां इन कनेक्टिंग वायर्स में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करना शुरू करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। सो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, आप ये ध्यान रखिए। लेकिन ये बैटरी हमने लगा रखी है, ये तो हमेशा लगाए रखेंगे। आपने कभी भी टॉर्च के अंदर से बैटरी नहीं निकाली होगी, जब तक वो खराब नहीं होती जब तक नहीं निकालते हैं। और बैटरी अगर हमेशा कनेक्ट रहती है, इसका मतलब हमेशा एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, हमेशा चार्ज मूव करता रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, तो हमेशा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन हमें तो कुछ सर्टेन टाइम पे ही चाहिए बल्ब ग्लो। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, और वो स्विच जब हम ऑन करेंगे तो हमें वो करंट मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमें करंट नहीं मिलेगा, और करंट नहीं मिला तो ये ग्लो भी नहीं करेगा। अब स्विच को कहां लगाएंगे, स्विच को हम यहां सर्किट में लगाएंगे, और स्विच करता क्या है आप देखिए। ये हमने एक स्विच लगा दिया है, मतलब यहां से इस कनेक्शन को हटा के हमने एक स्विच लगा दिया। अब ये तो इससे कनेक्ट है, लेकिन ये वाली साइड इससे कनेक्ट नहीं है। सो करंट यहां से आगे नहीं जा पाएगा, और जब तक पूरा करंट इस सर्किट में मूव नहीं करेगा, जब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट टूट गया है, कंप्लीट नहीं है। बस स्विच यही काम करता है, ये कनेक्ट करता है वायर्स को आपस में, और ये क्लोज पाथ बनाता है। क्लोज पाथ का मतलब जहां से चले थे वापिस वहीं आ जाएंगे।
लेकिन अभी क्लोज पाथ नहीं है, चलता यहां से है, यहां से होता होता यहां पहुंचता है और यहां रुक गया। सो अभी क्लोज पाथ नहीं है तो करंट यहां से आगे नहीं जा पाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आप यह नहीं सोचेंगे कि करंट इसमें से तो जा रहा है फिर ग्लो क्यों नहीं कर रहा, यह एक अलग चीज है, इसमें अभी मैं नहीं जाना चाह रहा। सो करंट किसी भी डिवाइस को चलने के लिए कंप्लीट क्लोज सर्किट चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए, लेकिन अभी यहां क्लोज पाथ नहीं है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वो इससे कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होते ही आप देखिए फिर से एक क्लोज पाथ मिल गया है। सो बल्ब ग्लो करने लगेगा। सो बैटरी को तो हम हमेशा लगाए रखेंगे, स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे, जब ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यह काम स्विच का होता है। और इसी पूरे ये जो आपको दिख रहा है जिसमें हम इसको स्विच बोल लें या की बोल लें, ये की हो गई है, ये बैटरी हो गई है या सेल, और ये करंट और ये बल्ब, ये एक डिवाइस है। बल्ब की जगह आप कुछ और लगा लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप क्या डिवाइस लगाना चाहते हैं। इसी पूरे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगी, इट इज कॉन्टिन्यूअस और इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ये कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज्ड पाथ होता है, मतलब ये लगातार है, आप कहीं भी देख लीजिए कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है साथ में क्लोज्ड भी है, मतलब जहां से चले थे वहीं हम पहुंच गए हैं, तो ये क्लोज पाथ भी हमें प्रोवाइड कराता है। और इसी कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कहीं से भी अगर वो इलेक्ट्रिक सर्किट टूटता है तो करंट फ्लो नहीं होगा पूरे सर्किट में, और जो डिवाइस हमने लगा रखा है वो वर्क नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। सो इसको, और यहां पे इसको ब्रेक कराने के लिए, इस सर्किट को ब्रेक कराने के लिए हमने स्विच लगा रखा है, की लगा रखी है, ये की काम करती है। की के अलावा भी कई बार कहीं प्रॉब्लम आती है सर्किट में, कहीं से वायर टूट जाती है, कहीं कुछ और हो जाता है फॉल्ट के कारण, सो वहां तब भी हमारा डिवाइस नहीं चलता है। सो जब भी हम इसको ब्रेक कर देंगे, डिसकनेक्ट करा देंगे, मतलब कॉन्टिन्यूअस और क्लोज नहीं रखेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा, डिवाइस काम नहीं करेगा। ये डिवाइस तभी काम करेगा जब सर्किट कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होगा। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों का हमने आंसर दे दिया है। अब आता है किस्सा, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, चलो इसको क्वेश्चन नंबर फाइव में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अभी से हमने एक्सप्रेस नहीं किया है। सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करेंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इसकी डेफिनेशन देंगे प्रॉपर तो वो आएगी इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स, दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं वहां से आपको समझ आएगा, और इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज through a given area, through a given area in unit time is called electric current.
ये हमारे पास आता है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक दिए गए एरिया में से, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो यहां से अब आप देखिए, इसको हम कहां से लिखें, यहां से, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां आप देखिए, सो फ्लो ऑफ चार्ज मान लीजिए कि ये गिवन एरिया है ए, और उस गिवन एरिया में से क्यू चार्ज फ्लो होता है टी टाइम में, टी टाइम में चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, यूनिट टाइम में कितना होगा क्यू अपॉन टी। ये जो चार्ज है इसको हम क्यू से डिनोट कराएंगे, टाइम को टी से डिनोट कराते हैं। सो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, यूनिट टाइम में आएगा क्यू अपॉन टी, और इसी रेशियो को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कराते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, करंट को आई से। अब इस करंट की अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या आएगी, करंट को किस में मेजर करेंगे। सो आपने देखा होगा कि करंट को, सुना होगा करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। सो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो है एम्पियर। और ये एक साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पे उन्होंने ये चीज बताई थी, इसीलिए उनके ही नाम पे हमने इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रखी एम्पियर। अब एक एम्पियर करंट कब बोलेंगे, दो एम्पियर करंट कब बोलेंगे, चार एम्पियर करंट कब बोलेंगे, वो आप देखिए। वन एम्पियर करंट होगा जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करे एक गिवन एरिया में से, तो हम उसका नाम देंगे वन एम्पियर। जब दो एम्पियर कब होगा, जब दो कूलम चार्ज उसी दिए गए एरिया में से वन सेकंड में पास हो तो हमें दो एम्पियर मिलेगा। तीन एम्पियर, जब तीन कूलम चार्ज एक सेकंड में उसी दिए गए एरिया में से फ्लो हो तो उसको हम बोलेंगे थ्री एम्पियर। सो ये तो हमने एम्पियर को यूनिट बता दी है, अब आगे देखिए इसमें। जो ये इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इस इलेक्ट्रिक करंट की अब कोई डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा कि नहीं। सो उस इलेक्ट्रिक करंट की हम डायरेक्शन क्या लेंगे वो हमें देखना है। आप देखिए, वो जो सर्किट हमने बना रखा है उसमें मैंने करंट फ्लो करा रखा है, ये जो बैटरी है इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जो बड़ा वाला है इसका नाम होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटे वाला है इसका नाम है नेगेटिव टर्मिनल। सो यहां मैंने करंट फ्लो कराया था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था तब तक हमें यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज। सो हमने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो इट्स डायरेक्शन इज, ये तो यूनिट हो गई थी, अब इसकी आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू
फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो डायरेक्शन है ये कन्वेंशनली डायरेक्शन हमने ली हुई है। स्टार्टिंग में ये मान लिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारे पास नहीं था, सो हमने मान लिया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा। पॉजिटिव के बारे में हमें पता था, सो पॉजिटिव से नेगेटिव स्टार्टिंग में हमने मान लिया, लेकिन बाद में पता चला कि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट मिलता है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, सो करंट अगर इलेक्ट्रॉन के कारण है तो वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहिए था। लेकिन शुरुआत में हम ये मान के चले कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, भले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, बस वही बात हम अब तक मानते हुए चले आ रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो ये डायरेक्शन हो गई है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करेंगे, भाई 1 एम्पियर कब है, 2 एम्पियर कब है, ये कब पता चलेगा? कोई तो डिवाइस हमें चाहिए, वो डिवाइस होता है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं, आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर। एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर, वो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और एमीटर को अब हम कहां लगाएंगे कि वो करंट को मेजर करे? इस सर्किट में ही लगाएंगे जिसमें करंट फ्लो होता है, और उस सर्किट में एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। एमीटर कनेक्टेड इन, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज में कब बोलेंगे? अगर मैं इस रास्ते से पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ बढूं, और जो जो इस रास्ते में डिवाइसेस आएंगे वो सब सीरीज में कनेक्ट हैं, सो इसी रास्ते पे अगर मैं एक एमीटर लगा दूं, एक एमीटर हमने लगा दिया है, ये है एमीटर। अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आऊंगा तो इसी रास्ते से आऊंगा, और इसी रास्ते में ये एमीटर आ गया है तो ये सीरीज में, अगर नहीं आता तो ये पैरेलल में होता। सो एमीटर हमेशा सीरीज में। आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मेजर करने के लिए डिवाइस वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर पैरेलल में होता है। पैरेलल में कैसे होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, और एमीटर ही वो डिवाइस है जो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के किसके कारण होता है, फिर थोड़ा चार्ज के बारे में भी जाना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रिक करंट की एक्सप्रेशन भी हमने देखी। सो ये था, और इसमें ये भी आइए ध्यान रखेंगे कि ये डायरेक्शन कन्वेंशनली अज्यूम की गई है, कन्वेंशनली। स्टार्टिंग में हम मान के चले थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अब तक हम पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान के चले आ रहे हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको पढ़िए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।